हेलो दोस्तों, नंबर वन जी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 में जीके से संबंधित पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाली ग्रुप डी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। आपका बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, दो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी? अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो आपको उत्तर सही, पीवी सिंधु, यह बैडमिंटन की खिलाड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, बंगाल राज्य बंदी विनियमन बंगाल विनियमन 3 को निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया? अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो आपको उत्तर सही, 1818 में पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, हुलीवेश खालिस्तान के तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आपको उत्तर सही, कर्नाटक का है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है? अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो आपको उत्तर सही, राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, नागालैंड की कोनायका जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला वसंत उत्सव को के रूम में जाना जाता है? अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो आपको उत्तर सही, एलोंग मोन्यू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, एक्सेल वर्कशीट में संख्याओं का डिफॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है? अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो आपको उत्तर सही, दाया होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, 2019 में पुरातत्वविदों ने नामक एक बौद्ध स्थल से मानवकार प्लास्टर प्रतिमा के रूप में एक दुर्लभ खजाने का पता लगाया जो जातक चक्कर में एक बोधिसत्व को निरूपित करता है। अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो आपको उत्तर सही, फणगिरी को निरूपित करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, 6 जनवरी 2021 को केंद्रीय राज्य मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो आपको उत्तर सही, हैदराबाद में उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो आपको उत्तर सही, रोपड़ भारत में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी के संबंध में संस्कृत नाटक रत्नावली खालिस्तान द्वारा लिखित माना जाता है? अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आपको उत्तर सही, हरस द्वारा लिखित माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, प्राणियों में जनन अंग नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जो संलयित होकर बनाते हैं? अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो आपको उत्तर सही, युग्मनज बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो आपको उत्तर सही, 3 पुस्तकों में विभाजित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, अप्रैल 2021 में डीआरडीओ ने पाइथन 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया, यह किस प्रकार की मिसाइल थी? अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आपको उत्तर सही, यह वायु से वायु में मारक करने वाली मिसाइल थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोफेक्ट्स 2019 के अनुसार 2019 में निम्न में से किस देश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो आपको उत्तर सही, मोनाको का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, खालिस्तान द्वारा 15वीं शताब्दी ईस्वी में असम के सतरिया नृत्य शैली को प्रचलित किया गया था?
अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो आपको उत्तर सही महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। खालिस्तान को चर इनपुट के प्रति इकाई आउटपुट के रूप में परिभाषित किया जाता है। अपने ऑप्शन सी चुना है तो आपको उत्तर सही औसत उत्पाद को किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सेल या रोक्स का उदाहरण नहीं है। अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो आपको उत्तर सही एसफॉल्ट रोक का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। आपने ऑप्शन बी चुना है तो आपको उत्तर सही कोचीन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, भारत की पहली रेलवे लाइन वह 1853 में बॉम्बे से खालिस्तान तक बिछाई गई थी। अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आपको उत्तर सही बॉम्बे से ठाणे के बीच में बिछाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है। अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो आपको उत्तर सही पुलिकट झील खारे पानी की झील है। लोकटक झील मणिपुर में मीठे पानी की झील है। वुलर ओडल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है मीठे पानी की झील। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है। अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो आपको उत्तर सही जिको बिलोबा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में फेरस सल्फेट के क्रिस्टल गर्म करने पर पानी मुक्त करते हैं और क्रिस्टल का रंग हल्के हरे से सफ़ेद में बदल जाता है। अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आपको उत्तर सही वियोजन अभिक्रिया में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, जून 2021 में युद्ध इतिहासों के वर्गीकरण की नीति को मंजूरी किसने दी थी। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो आपको उत्तर सही राजनाथ सिंह ने मंजूरी दी थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, अगस्त 2021 में सोमनाथ में श्री पार्वती मंदिर की आधारशिला किसने रखी थी। अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आपको उत्तर सही नरेंद्र मोदी ने आधारशिला रखी थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, जुलाई 2021 में भारत में विश्व स्तर के प्रति प्रतिस्पर्धी विनिर्माण हेतु प्रौद्योगिकी के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितने प्रौद्योगिकी की नवाचार मंचों या प्लेटफॉर्म का शुभारम्भ किया गया है। अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आपको उत्तर सही छः। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, दुबई में आयोजित एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैंपियन 2021 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते। अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो आपको उत्तर सही 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो आपको उत्तर सही नेपाल की सीमा समुद्र से नहीं लगती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। आपने ऑप्शन बी चुना है तो आपको उत्तर सही नर्मदा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, फरवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व है। आपने ऑप्शन डी चुना है तो आपको उत्तर सही 118 तत्व है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति खालिस्तान में वर्णित है। आपने ऑप्शन ए चुना है तो आपको उत्तर सही अनुच्छेद 368 में वर्णित है। ने ऑप्शन ए चुना है तो आपको उत्तर सही अनुच्छेद 368 में वर्णित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
ट्यूशन ग्लोबल साउथ में आहार स्वास्थ्य और आजीविका के लिए मछली के फायदे बताने के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। आपने ऑप्शन बी चुना है तो आपको उत्तर सही डॉक्टर शकुंतला हरकी सिंह थिलसेट को चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश समाज सुधारक महिला अधिकारी आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीयता का समर्थक था। अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो आपको उत्तर सही एनी बेसेंट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो आपको उत्तर सही खनन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना का उद्देश्य क्या है। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो आपको उत्तर सही गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले झोपड़पट्टी वासियों को आवास और शौचालय सुविधा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या शून्य थी। अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आपको उत्तर सही पंजाब की। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, जब हम एनएनपी निवल राष्ट्रीय उत्पाद को किस राष्ट्र की कुल जनसंख्या से विभाजित करते हैं तो हमें प्राप्त होता है। अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो आपको उत्तर सही प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आपको उत्तर सही 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, अगस्त 2021 में टोक्यो 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता। अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो आपको उत्तर सही जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता। हॉकी टीम ने 41 साल बाद कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, बाह्य आघातों के विरुद्ध मुद्रा आपूर्ति को स्थिर रखने के लिए मुद्रा बाजार में किसी देश के मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा हस्तक्षेप को खालिस्तान कहा जाता है। अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आपको उत्तर सही अवरुद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक राजाओं की घाटी कहाँ स्थित है। अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आपको उत्तर सही मिस्र में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर में वृद्धि करना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था। आपने ऑप्शन डी चुना है तो आपको उत्तर सही 7वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किसी क्षेत्र में जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक नहीं है। आपने ऑप्शन बी चुना है तो आपको उत्तर सही व्यावसायिक संरचना प्रभावित करने वाले कारक में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, आल्हा गायन खालिस्तान के कुछ भागों में गाए जाने वाले लोकगीतों की एक प्रमुख शैली है। आपने ऑप्शन बी चुना है तो आपको उत्तर सही उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था। आपने ऑप्शन ए चुना है तो आपको उत्तर सही सवर्णगिरी को माना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYVP का पूर्ण रूप क्या है।
अगर आपने ऑप्शन सी चुने है तो आपको उत्तर सही हाई हील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, दिसंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो आपको उत्तर सही 25 उच्च न्यायालय है और नवीनतम उच्च न्यायालय हैदराबाद की अमरावती राजधानी में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, पहली मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा वर्ष खालिस्तान में प्रकाशित की गई थी? अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो आपको उत्तर सही 1990 में प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो आपको उत्तर सही आर्टिकल 219 शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। अगर आपको वीडियो में मिली जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।